हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 9 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये टच वाइब्रेशन का, ठीक है। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाता है, यानी कि आपकी ये टच वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाती है, ठीक है। अब ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी पेज पर होंगे या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे, अगर आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे ना तो आपका फ़ोन जो है ना वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। ये सेटिंग डिसेबल करने से पहले आपका फ़ोन वाइब्रेट करता था, लेकिन अब आपने सेटिंग को डिसेबल कर दिया ना तो आपका फोन ये वाइब्रेट अब नहीं करेगा, ठीक है। ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार में टाइप करना है टच वाइब्रेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच वाइब्रेशन का, ठीक है। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी आप सबसे ऊपर ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।